बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स जी सैयद इमरान खान के साथ यूनिट वन क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो करते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर फोर आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर में है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन ए इज इक्वल टू दिस वन बी सी डी एंड ई इज इक्वल टू दिस वन। मैट्रिसेस गिवन है, आपने जस्ट इनके नेगेटिव मैट्रिसेस को फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट लेते हैं। पहले वन जो फर्स्ट वन है वो a इज इक्वल टू वन ज़ीरो माइनस वन है, तो हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स a इज, मैट्रिक्स a का जो नेगेटिव होगा वो माइनस a होगा, यानी आपने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना है। इसी तरह आपने वन ज़ीरो माइनस वन का जो है वो नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव। इस मैट्रिक्स का नेगेटिव ले, ए का नेगेटिव ले, तो माइनस ए मैट्रिक्स यानी नेगेटिव ऑफ ए जो है वो किसके बराबर होगा? ये जो नेगेटिव साइन है ये मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज है हर एक एंट्री के साथ ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा। मीन्स टू से कि ये जो इंटरनल इनके जो मैट्रिक्स के जो एंट्रीज है इनके साइन चेंज होंगे इस नेगेटिव से, क्योंकि माइनस और ये प्लस है तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस वन। इसी तरह ज़ीरो अगर माइनस हो या प्लस हो वो ज़ीरो ही होता है, और माइनस प्लस वन। तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए आया है। मीन्स टू से कि मैट्रिक्स के अंदर मौजूद जितनी भी हमारी एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज होंगे। सो माइनस ए इक्वल टू माइनस वन ज़ीरो वन। इसी तरह आपने ये बाकी भी इसी तरह से करने होंगे। मैं एक और करता हूँ, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू थ्री माइनस वन टू वन। अब आपने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी इज, आपने मैट्रिक्स बी का नेगेटिव फाइंड करना है तो उसको माइनस बी का नाम देंगे। तो इस मैट्रिक्स के साथ यानी थ्री माइनस वन टू वन, इस मैट्रिक्स के साथ हमने नेगेटिव लिखना होगा, तो ये माइनस बी आ जाएगा। सो नेगेटिव ऑफ बी दैट इज माइनस बी इज इक्वल टू, इनके साइन पर चेंज होंगे जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस थ्री माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, प्लस टू माइनस टू और प्लस वन माइनस वन हो जाएगा। सो दिस इज नेगेटिव ऑफ बी। इसके अलावा ये जो बाकी क्वेश्चन है ये आप खुद ट्राई करें, सी डी और ई पार्ट ये भी इसी तरह से है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो कम्प्लीट होता है। डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आपने इन मैट्रिसेस के ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। ऑलरेडी ट्रांसपोज टॉपिक हम कर चुके हैं। तो ट्रांसपोज में हम चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आपने कॉलम्स को रोज में या रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, सिर्फ चेंज करना है, तो उसी को ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। सो ए इज इक्वल टू ज़ीरो वन माइनस टू, ए इज इक्वल टू ज़ीरो वन माइनस टू, इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आप इस तरह लिखे यहाँ पे कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का आप ट्रांसपोज लें, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स। तो ए का ट्रांसपोज तो ए के ऊपर स्मॉल टी लिखें, और ये जो मैट्रिक्स 0, 1, माइनस टू है इसके ऊपर भी ट्रांसपोज का निशान यानी ट्रांसपोज टी सिंबल जो है वो यूज़ करें। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अच्छा अब जब इस मैट्रिक्स में मैं ट्रांसपोज अप्लाई करूँगा तो इसमें जो रोज़ है वो इसको कॉलम में या जो कॉलम है वो इनको रोज़ में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो 0, 1, माइनस टू कॉलम है ये रो बन जाएगा इस तरह से 0, 1, माइनस टू। तो ये इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, यानी आपने इस पूरे कॉलम को रो में कन्वर्ट किया है, इस पूरे कॉलम को आपने रो में कन्वर्ट किया है। 0, 1, माइनस टू, 0, 1, माइनस टू इज 0, 1, माइनस टू, ठीक है। इसके अलावा जो बी मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू 5, 1, माइनस सिक्स, तो जब आप इसका ट्रांसपोज देंगे तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स का जब हम ट्रांसपोज देंगे तो इसके साथ ये जो मैट्रिक्स बी है
इसका आप ट्रांसपोज दे, सो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 1 माइनस 6 मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज देंगे, तो ट्रांसपोज में क्या होगा, ये जो पूरा रो है ये कॉलम बन जाएगा, दैट इज 5 1 माइनस 6 जो है ये एक कॉलम बन जाएगा, यानी 5 1 माइनस 6 5 1 माइनस 6 बन जाएगा। इसी तरह ये बाकी भी आप खुद कर ले, इसको ट्राई करें। तो सी जनरली मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि सी आपके पास जो है 1 2 2 -1 3 और 0 है, तो जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देंगे तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 रो जो है ये 1 2 कॉलम हो जाएगा, 2 -1 रो जो है 2 -1 कॉलम हो जाएगा, 3 0 रो जो है ये 3 0 कॉलम हो जाएगा, तो ये इसका ट्रांसपोज है। तो इसके साथ क्वेश्चन और ये बाकी डी ई और एफ पार्ट जो है ये मैंने छोड़े हुए हैं, ये आपको ट्राई करें, आपको समझना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म होता है, अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। डियर स्टूडेंट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू 1201 बी इज इक्वल टू 1120 देन ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। अगर आपके पास मैट्रिक्स ए ये है, मैट्रिक्स बी ये है, तो आप ये साबित करें या वेरीफाई करें कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, इसी तरह बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। पार्ट ए जो है इसको मैं सॉल्व करता हूँ, जिसमें हमने ये साबित करना है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ए के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है तो आप इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें और उसका जो आंसर आ जाए उसका दोबारा ट्रांसपोज ले, तो उससे अगर दोबारा मैट्रिक्स ए आ जाता है तो आपका ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और ये वैलिड है, ये बात सही है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए को लेंगे कि मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 2 0 1, ठीक है, ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए। टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, आपने दोनों साइड्स का ट्रांसपोज लेना है, तो ए का भी ट्रांसपोज आ जाएगा और इसका आप ट्रांसपोज दें 1 2 0 1 का, तो जब हम इसका ट्रांसपोज देंगे तो ये जो 1 2 रो है ये 1 2 कॉलम हो जाएगा, इसी तरह 0 1 रो जो है ये 0 1 कॉलम हो जाएगा। सो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया है। अब दोबारा हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, इस ए ट्रांसपोज का हम दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं, तो अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, आप दोबारा दोनों साइड्स का ट्रांसपोज लें, तो जब दोनों साइड्स का हम दोबारा ट्रांसपोज देंगे तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह से ये जो मैट्रिक्स है 1 0 2 1, इसका भी आप ट्रांसपोज दें तो ये जो 1 0 रो है ये 1 0 कॉलम हो जाएगा और 2 1 रो जो है 2 1 कॉलम हो जाएगा। सो ये भी आपके पास एक ट्रांसपोज आ गया है। तो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, और ये जो मैट्रिक्स 1 2 0 1 है, 1 2 0 1 है, ये असल में मैट्रिक्स ए है। यानी अगर आप इसको चलो इक्वेशन 1 का नाम देते हो, ओके, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, तो 1 2 0 1 जो है ये असल में मैट्रिक्स ए है, तो 1 2 0 1 की जगह मैं दोबारा मैट्रिक्स ए लिखता हूँ, क्योंकि ये चीज़ सेम यही है और ये ए के बराबर है, तो ये सेम ए होगा यहाँ पे। सो दिस मैट्रिक्स इज एक्चुअली मैट्रिक्स ए। आप अगर ब्रैकेट में ये लिखते हो कि यूजिंग इक्वेशन 1, कि मैंने इक्वेशन 1 को यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए इसकी जगह ए को रिप्लेस किया है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो चूंकि यही हमने साबित करना था तो यहाँ पे आप लिख के हेंस वेरीफाइड। इसके साथ ये पार्ट ए ख़त्म होता है। इसी तरह पार्ट बी आप खुद ट्राई करें, पहले आपके पास बी मैट्रिक्स है, आप इसका ट्रांसपोज लें, तो टेक एंड ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड, तो 1 1 रो जो है 1 1 कॉलम हो जाएगा, इसी तरह 2 0 रो जो है 2 0 कॉलम हो जाएगा। अगेन टेक एंड ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड, तो बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, तो फिर ये जो 1 1 रो होगा ये फिर कॉलम 1 1 कॉलम जो है ये रो हो जाएगा और 2 0 कॉलम जो है वो 2 0 रो हो जाएगा, इसे दोबारा बी मैट्रिक्स आएगा, सो बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज दोबारा बी के बराबर होगा, जिस तरह से मैंने ये किया है।
पार्ट टू को आप ट्राई करें। इसके साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज 1.2 है वो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।